गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वेलकम टू सोलापुर एपिसोड खाना खजाना। सो आज हम लोग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेस पे आए हैं, दैट्स क्रंच कॉर्नर। तो क्रंच कॉर्नर जो है सोलापुर में जवाहरलाल नेहरू वस्ती गृह 10 बाबा साहेब अम्बेडकर चौक मुरारजी पेट सोलापुर में है। एंड इस ये जो प्लेस है ना गाइज, इतनी ज़्यादा फेमस है। लाइक जो यहाँ पे जो क्राउड थी ना गाइज, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट किया, क्योंकि जब हम लोग इस प्लेस पे पहुँचे जो महक आ रही थी ना गाइज, दैट वॉज फैबुलस। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने उनका मेन्यू देखा एंड मेन्यू बहुत ही ज़्यादा यू नो हाई फाई भी नहीं था, इट वॉज़ लाइक रिजनेबल रेट। एंड टेस्ट गाइज, मतलब जो सुगंध हम वहाँ पे खड़े थे आ रही थी, दैट वॉज जस्ट सुपर्ब। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यू हैव टू प्लेस द ऑर्डर। तो वो लोग आपको उसके बदले में जो है, जो भी आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है, दे विल गिव यू अ टोकन। तो वो टोकन आपको वहाँ के जो फूड काउंटर है वहाँ पे देना है। तो जो भी आपने जो ऑर्डर दिया होगा, वो आप टोकन देने के बाद आपको वो ऑर्डर मिल जाएगा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया दैट वील हैव दाबेली। तो हम लोगों ने दाबेली ली थी एंड जब दाबेली यहाँ की जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे लगा फेमस है, बिकॉज जो भी आ रहा था दे वो लाइक दाबेली चाहिए, दाबेली चाहिए। सो हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि दाबेली एंड वील टेक जलेबी। तो जो गरम गरम जलेबी बन रही थी, उसे देख के मेरा तो मतलब दिल भर आया, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिसिटी यहाँ पे। और एक सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने हाइजीन भी अपना मेंटेन करके रखा है, लाइक होटल इनका जो इस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से इन लोगों ने अपना मेंटेन हाइजीन सब कुछ मेंटेन करके रखा है। आफ्टर टेस्टिंग दाबेली, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग और एक डिश इनकी टेस्ट करेंगे, क्योंकि दाबेली एंड जलेबी वो लाइक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो दूसरे जो मात्रा में लगातार बिक रही हुई डिश थी वड़ा पाव। तो मुझे जो है वड़ा पाव टेस्ट करना था, तो मेरी मम्मी ने जो है शी टुक वड़ा पाव, सिंपल वड़ा पाव, एंड आई टुक चीज़ वड़ा पाव। तो लाइक मुझे जो इनका चीज़ वड़ा पाव है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हम जब मैक्स एक नॉर्मल दुकान में वड़ा पाव लेने जाते हैं, तो यू नो उतना जो वड़ा है तो बहुत ही छोटा रहेगा, पाव बहुत ही बड़ा रहेगा, या पाव बहुत ही छोटा रहेगा, वड़ा बड़ा ही बहुत ही बड़ा रहेगा। तो इनका जो मिक्सचर, जो कॉम्बिनेशन वड़ा और पाव का था ना, वड़ा पाव का, तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। एकदम जो हम प्राइस पे करें उसके लिए वो क्वान्टिटी बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी थी। एंड स्पेशली चीज़ बर्स्ट वाला लाइक फीलिंग आ रही थी, जो हम लोग पिज़्ज़ा में चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा खाते, वैसे ही चीज़ बर्स्ट वड़ा पाव हो गया था। तो इट वॉज लाइक वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो आई जस्ट रियली लव दिस प्लेस।